हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रूमंथ इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आपको पता ही होगा, काफ़ी बच्चे मेरे को कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, सर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं टल गई हैं, आपका धन्यवाद। तो ये मेरा धन्यवाद नहीं, आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी को एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज़ ये है कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, मैं अखबार पढ़ रहा था तो 1,80,000 एक एक दिन में यानी पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं कोरोना के। तो उस हालात को देखते हुए बहुत अच्छा किया। और ये जो आपकी परीक्षाएं हैं, मैं आपको बता दूं, जो बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता देना चाहता हूं कि यूपी बोर्ड परीक्षाएं 2021 की जो परीक्षाएं जो 8 मई की होने वाली थी, सबसे पहले जो ये 24 अप्रैल से होने वाली थी, लेकिन चुनाव, पंचायती चुनाव के कारण उनको बढ़ा दिया गया था, तो वो 8 मई से हो रही थी। और अब वो जो परीक्षाएं हैं 20 मई तक आपकी टल चुकी है, यानी स्थगित हो चुकी हैं। तो 20 मई तक कोई भी परीक्षा नहीं है। अब नई डेट कब अनाउंस होगी उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान से समझना। नई डेट यानी कि 20 मई से पहले यानी मीटिंग होगी, उसमें वो पूरे यूपी का मुआयना होगा, यानी कि वहाँ पर उस पूरे का समीक्षा की जाएगी कि भाई कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव केसेस कितने हैं, किस तरीके से जो कोरोना का केस है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, उस सब पर स्टडी होगी। देन उसके बाद में आपकी परीक्षाएं के ऊपर निर्णय लिया जाएगा। और साथ में ये भी कहा, जिस तरीके से CBSE बोर्ड ने बताया है कि स्टूडेंट्स को 15 दिन पहले परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी जाएगी, उसी तरीके से आप यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी 10 से 15 दिन पहले सरकार द्वारा निर्देश आ जाएगा कि आपकी परीक्षाएं तब होंगी। तो उसके लिए जैसे ही हमको निर्देश मिलेगा हम आपके लिए वीडियोज बना देंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिस इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगी, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं से रिलेटेड कोई भी न्यूज आएगी तो वो आपको मिल जाएगी। ओके, अब बात आती है, देखिएगा। और साथ में जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की जितने भी स्कूल हैं, जितने भी विद्यालय हैं, वो 15 मई तक पूर्ण रूप से बंद कर दिए हैं, यानी कि 15 मई तक कोई भी विद्यालय खुलेगा नहीं, कोई भी पढ़ाई नहीं चलेगी। तो ऐसे में क्या होगा, जो बच्चे 11वीं में आ चुके हैं, जो बच्चे अब नए नए इंटर में आए हैं, उनके लिए भी अब हम 1-2 दिन में नया बैच स्टार्ट करने वाला हूँ मैं बहुत ही जल्दी। तो आप लोग चिंता ना करें, वो जल्दी स्टार्ट कर देंगे, उसके नए के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल अब हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी अब कैसे कर रहे हैं। भाई अब आपके पास थोड़ा सा समय और मिल गया, तैयारी ऐसी स्ट्रांग करनी है कि देखो, पहले आपकी जो परीक्षाएं बढ़ी थी तो उसमें एक एक दिन मिला था बस आपको तैयारी करने के लिए। क्या आप पेपर दे के आ रहे हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एक छुट्टी, फिर मैथ का, इस तरीके से मतलब एक एक छुट्टी मिल रही थी आपकी परीक्षाओं में। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब बिल्कुल एक लगातार भी हो जाए, या बहुत कम, जैसे कि इंग्लिश वाले पेपर में आपको 9 छुट्टी दी थी और बाकी सभी में एक एक, तो अब हो सकता है कि इंग्लिश वाले में भी आपको छुट्टी ना मिले। तो इसलिए तैयारी आप इस तरीके की करके चलो कि आपके लगातार भी 5 दिन वो पेपर लें तो आप अच्छे से कर पाओ। तो तैयारी नहीं छोड़नी है, तैयारी जिस तरीके से पहले कर रहे थे उससे और कहीं तेज़ी के साथ में करनी है। परीक्षाएँ ज़रूर होंगी, परीक्षाएँ रद्द नहीं की जाएंगी, और परीक्षा रद्द करने के हम बिल्कुल विरोध में हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं तो उनको उनकी मेहनत का फल जरूर मिलना चाहिए। इसलिए परीक्षाएं रद्द करने के बिल्कुल विरोध में हैं हम, केवल परीक्षाओं को पोस्टपोन एक अच्छे समय पर ली जाएं, बस हम इसका समर्थन करते हैं। तो आप लोगों की जिस तरीके से हमने पूरी साल भर मेहनत के साथ तैयारी कराई और जो मेहनत के साथ आपने स्टडी की है, तो उसके हिसाब से आपको नंबर मिलने चाहिए, मतलब परीक्षाएँ की जानी चाहिए। लेकिन परीक्षाओं का एक अच्छा समय होना चाहिए, अच्छे समय पर परीक्षाएं ली जानी चाहिए, जब कोरोना का कोई भी डर ना हो। चाहे परीक्षा मई की बजाय जून में कराओ या और आगे कराओ, लेकिन परीक्षा, हमारी सरकार से ये विनम्र निवेदन सिर्फ इतना ही है कि बच्चों की हेल्थ के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो, कोई भी मतलब उनका अच्छे समय पर परीक्षाएं ली जाएं, परीक्षाएं कैंसिल बिल्कुल भी ना की जाएं। और आप लोग जो IIT नीट NDA एयरफोर्स वगैरह की तैयारी कर रहे थे, तो आप उस पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दे सकते हो, क्योंकि फिर वो जो पेपर हैं वो लगातार आएंगे, आपकी परीक्षाएं आगे बढ़ जाएंगी तो पेपर ज़रूर होगा। इसलिए आपको सिर्फ इंटर में ही पास नहीं होना था, आपके फ्यूचर में भी आपको बहुत सारा कुछ करना था। तो इसके लिए आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करनी है। ओके, तो कोई भी बच्चा आपसे बिल्कुल ये समझ लीजिए जिस तरीके से पहले तैयारी कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे, और परीक्षाएं ये मुझे लगता है कभी और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोरोना बहुत ही तेज़ी से तीव्रता से बढ़ रहा है। तो हो सकता है जब तक हालात सुधर जाएं, लेकिन आप लोग अभी फिलहाल इतना रखिए कि आपकी 20 तारीख मतलब 20 मई तक तो नहीं होंगी, उसके बाद में देन यानी जून में ही लगभग हो पाएंगी, ठीक है। और मई के पहले सप्ताह में मीटिंग होगी तो वो पता चल जाएगा, और बाकी हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो वीडियो को सभी के पास पहुंचा दीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा
टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर हम फिजिक्स केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर, सॉल्व पेपर, बहुत सारी चीज़ें करा रहे हैं, वो भी फ्री। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जाकर कर लेना, क्योंकि मैथ हिंदी इंग्लिश की तैयारी उसी चैनल पर करा रहे हैं। अगर सेकंड चैनल करके नीचे लिंक मिल रही होगी, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे खूब सस्ती वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।